मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज और परहित के कारण आवे ने शरम लाज। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बिट्टो एक साथ और सब सद है और सब साथ हो तो सब जाए। तो हमारा तो वही है कि बस केवल एक नाम से आधार है। हमारे गुरुदेव का कहना था कि एक ही दुकान से जीना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्कुट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नित्य दिन आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं और दोस्तों आज इसी कड़ी में हम चित्रकूट से 250 किलोमीटर दूर आए हुए हैं घनघोर जंगल में। आप दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बियाबान जंगल है। यहाँ पे दूर दूर तक आपको आदमी का नाम ही निशान नहीं दिखेगा, ना कोई गांव दिखेगा। दोस्तों आज हम इसी घाटी में चलेंगे और संतों की खोज करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जाके कैसे साधु संत महात्मा यहाँ पे रहते हैं और कैसे वहाँ पे भोजन पानी उपलब्ध हो पाता है। तो बने रहिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं और संतों के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों जैसा कि जंगल के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों और देख सकते हैं ये घाटी के जस्ट नीचे ही एक पहाड़, बहुत ही ऊंचा और विशाल पहाड़ दिखेगा दोस्तों और बहुत ही ज्यादा घनघोर जंगल है दोस्तों। यहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग आ पाते हैं और पूछ के यहाँ पे आना पड़ता है क्योंकि काफी खतरनाक क्षेत्र भी है दोस्तों। यहाँ पे पहले एक समय डकैतों का राज हुआ करता था लेकिन अब लोगों का आना जाना थोड़ी सी हो गया है तो संतों तक लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरह की रास्ता है और ऐसे जंगलों में दोस्तों साधु संत महात्मा रहते हैं, रह के भजन करते हैं। पता नहीं ऐसे बियाबान जंगलों में कैसे खाने पीने की व्यवस्था हो पाती है। हम भी ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे जंगलों में कैसे साधु संत महात्मा खाते पीते हैं, कैसे यहाँ पे उपलब्ध हो पाता है। दूर दूर तक आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली जंगल दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे और ईंटा दिखेंगे मिट्टी के बड़े बड़े। यहाँ पे रास्ता भी दोस्तों सही नहीं है, बारिश में तो यहाँ आना जाना भी बंद हो जाता होगा दोस्तों। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। देखिए आज दोस्तों शिवरात्रि का दिन है, काफी दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही गहरी घाटी है दोस्तों और इसी घाटी के नीचे ही संत महात्मा दोस्तों रहते हैं और हम वहीं पे चलने की कोशिश करेंगे और उनको खोजने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पे संत महात्मा रहते हैं। जैसा कि वहां से हम चलते चलते आए हुए हैं, काफी खराब रास्ता भी था लेकिन हम किसी तरह से गाड़ी यहाँ पे ले आए हैं। देखिए यहाँ पे छोटू दुकान लगाया हुआ। छोटू यहाँ पे रहते हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? बलवीर। बलवीर हाँ। कब से लगा रहे हो यहाँ पे दुकान? हम लगाए 2 साल से। 2 साल से तो यहाँ पे हो जाती है बिक्री? हाँ, बिक्री हो। कितना बिक जाता होगा डेली? डेली बिक जाते हैं वही 200-400 रुपए का बिक जाता। 500-600 रुपया आ जाती है। चलिए ठीक है, कुछ तो मिल रहा है बेरोजगारी में, है ना। तो छोटू ये बताओ यहाँ भी कितना नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को? अब तो इतना जब मोड़ है, मोड़ से कंकी भाई उतरने। अच्छा, ऐसे आधा किलोमीटर भाई जाने हो भाई। ये कितना पुराना स्थान होगा, कुछ जानकारी है इसके बारे में? ये तो हमारे पहला के आदमी बता दे रहा है कि ये पहला थे डाकू रहते। अच्छा, यहाँ पे डाकू रहते थे? अच्छा, मूरत सिंह डाकू रहता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, कब निर्माण हुआ था? कब से ये पुराना बाबा आया था? अभी कौन बाबा नहीं खटाया था, एक बाबा खटाया था, उसी ने आश्रम जगाया था। अच्छा, यानी बहुत पुराना आश्रम था दोस्तों। यहाँ पे पहले डकैत रहते थे और उन्हीं के नाम से ये मतलब स्थान विख्यात है आसपास, और उन्होंने ही मतलब यहाँ पे स्थापना की थी शंकर जी की। हाँ। तो यहाँ नीचे गुफा भी बनी हुई है? गुफा है, अच्छी भाई, भारी गुफा है। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे शेर भी रहता था गुफा में? पहले रहती है जानवर, अब नहीं रहती, अब नहीं रहती, जंगल नहीं बचा होता। अच्छा, कहते हैं बारिश में यहाँ बहुत भयंकर झरना गिरता है। हाँ, गिरता है लेकिन बारिश नहीं हुई है। अच्छा, अभी गिरता है? अभी गिरता तो है लेकिन बारिश नहीं हुई तो इसके कारण। अच्छा, नीचे पानी की व्यवस्था है? हाँ, पानी की व्यवस्था है, कुंडिया बनी, नहा भी, हाँ, नहा भी सकते हैं वहाँ पे। हाँ। चलिए ठीक दोस्तों, जैसा कि अगर कभी भी आप इधर इस क्षेत्र में आते हैं तो छोटू यहीं पे दुकान लगाता है तो आप इनके दुकान से सामान ले सकते हैं। देखिए गरीब लड़का है, किसी तरह बेरोजगारी इस समय छाई हुई है, तो आप कभी भी यहाँ पे आइए तो जितने का भी प्रसाद है जरूर लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आगे स्थान पे जाइए। अभी दोस्तों आपको लेके चलेंगे, अंदर लेके चलेंगे, नीचे घाटी है, घाटी उतर के जाना पड़ेगा और वहीं पे संत महात्मा रहते हैं, गुफा में रहते हैं, बहुत ही प्राचीन स्थान है। चलेंगे आपको दर्शन करवाएंगे, बनी रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। जैसे कि दोस्तों अब जंगल की ओर हम लोग जा रहे हैं, महाराज जी की गुफा की ओर। देखिए कुछ गाँव के बच्चे भी हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं। फाइनली हमने प्रसाद भी ले लिया है, देखिए नारियल अगरबत्ती है और इसमें लाई है। अभी चलेंगे नीचे और आपको दर्शन करवाएंगे। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा घनघोर जंगल है दोस्तों, कुछ भी नहीं यहाँ पे है, ये देखिए। चलते हैं आगे, भी 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा नीचे और नीचे जा के ही महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। ऐसा बियाबान जंगल है, ऐसे पथरीला क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे ऐसे काट काट के रास्ते बनाए गए हैं।
जैसा कि दोस्तों नीचे धीरे धीरे हम उतरते जा रहे हैं, काफी लंबा रास्ता है और देखिए काफी लोग नीचे से ऊपर आ भी रहे हैं, तो उनसे भी आपको मिलाते हैं। और भाई साहब जय सिया राम, हो गए दर्शन? पानी वानी की व्यवस्था है वहाँ पे? पूरी फुल। अच्छा, भीड़ भाड़ तो नहीं ज्यादा? महात्मा जी है? आप लगता है सुबह सुबह के गए हुए हैं? नहीं, अभी अभी आए, 10 मिनट अभी अभी गए हैं। पास नहीं है। अच्छा अच्छा, ज्यादा मौज करते कि 15 मिनट होगा। चलिए ठीक है भाई साहब, आइए दोस्तों चलते हैं आगे। मेरे पीछे देखिए, वहाँ पे जाना है हमको दोस्तों, वो वहाँ पे जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं वहीं पे चलेंगे और चलते हैं अभी। चारों तरफ देखिए पूरा घनघोर जंगल है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पूरा जंगल ही जंगल दिखेगा आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे और आगे का भी दृश्य दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, और हम लोग भी दोस्तों आज महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे आए हुए हैं कि हम भी चलते हैं, इस स्थान के दर्शन करते हैं। बहुत सुना था हमने इसके बारे में, यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और चलते हैं दोस्तों, हम भी देखते हैं कि यहाँ पे पहले, बताते हैं कि यहाँ पे पहले डकैतों का राज था और यहाँ पे इस गुफा में पहले डकैत रहते थे और यहीं पे लोग को उठा के ले आते थे और फिर पैसों की मांग करते थे। अब बहुत ही सिद्ध स्थान है दोस्तों, यहीं पे डकैतों ने ही शंकर जी की स्थापना की। अब लोगों का यहाँ पे मेला लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोग घर बना के भी जाते हैं, छोटा छोटा पत्थर का। ये देखिए, देख रहे होंगे यहाँ पे घर टाइप बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बना के जाते हैं दोस्तों घर। ये देखिए पत्थर के घर यहाँ पे बने हुए हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमको उतना नीचे जाना है, वहाँ पे देखिए उतना नीचे अभी हमको जाना है और वहाँ पे चलेंगे और महात्मा जी से दर्शन करेंगे, सत्संग लेंगे और उनको सेवा पानी भी कुछ लेके आए हैं, बैग में डाली हुई है खाने पीने की चीज़ें, उनको देंगे दोस्तों। अब नीचे उतरना पड़ेगा हमको, देख सकते हैं कैसे यहाँ पे नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। और देखिए कुछ गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे शिव जी का स्थान है क्योंकि, और हम भी अभी नीचे चलते हैं पत्थरों से नीचे उतर के। देखिए लोग गद्दे वद्दे लेके भी यहाँ पे आए हुए हैं, लगता है यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे। और देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है यहाँ पे, चारों तरफ आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। देखिए ये देखिए, ऐसे बियाबान जंगलों में दोस्तों संत महात्मा रहते हैं, और ये देखिए पूरा बियाबान जंगल, देखिए देखिए। आइए चलते हैं नीचे, चलते हैं कुछ भक्तों से बात करते हैं, आइए चला जाए। ये देखिए दोस्तों, अब लोग, हम लोग नीचे चल रहे हैं, नीचे आपको दर्शन करवाते हैं शंकर जी के स्थान के। ये देखिए कैसी रास्ता दोस्तों, बहुत खराब है, अच्छी रास्ता नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही रास्ताओं से होके जाना पड़ता है। देखिए कुछ माताएं वहां से आ रही हैं, देखिए चलेंगे अभी नीचे हम लोग। हम लोग ऊपर से आए हुए हैं, नीचे आपको खाई दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है नीचे। ये देखिए यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है, एक छोटी सी, ये देखिए समाधि बनी हुई है यहाँ पे। देखिए थोड़ा छोटा सा कुंड है, कुछ लोग नहा भी रहे हैं और यहाँ पे पूरी देखिए खाई ही खाई है। यहाँ पे एक छोटा सा स्थान है देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जंगली पौधा लगा हुआ है। देखिए कुछ माताएं आ रही हैं, कुछ भक्त लोग भी बैठे हुए हैं, चलते हैं कुछ बातें करते हैं। ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, देखिए सीताराम, कहाँ से आना हुआ? पलेरा, ये कहाँ पड़ता है? आप कहाँ के हो? हम तो चित्रकूट से हैं। ये ना पड़ता है, टीकमगढ़ जिला में पड़ता है। अच्छा अच्छा, हो गए दर्शन? कैसा लगा स्थान आपको? अच्छा लगा। अच्छा स्थान, पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? चार साल तो नीचे हो गए। अच्छा, पैदल आते हैं आप? कितना आपके यहाँ से कितना पड़ता होगा? 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा? कितने दिन में आप यहाँ पहुँचे हैं? 3 दिन में आए। 3 दिन में? और भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती? हमारे यहाँ के सरपंच साहब कराते हैं। अच्छा अच्छा, सरपंच साहब की तरफ से रहता है पूरा। अच्छा, गांव के सरपंच आपके लिवा के आते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है, फिर यहाँ पे दर्शन होते हैं। अभी आप और कहाँ जाएंगे? अब सब घर जाना है। अब घर जाएंगे। चलिए देख सकते हैं दोस्तों, दूर दूर से भक्त लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और इस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे, क्या क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है कुछ जानकारी? कुछ नहीं है, रोड तो नहीं सही है,
अरे यहाँ जो है कि मन की सिद्धा है, जो मन मन उसकी इच्छा है, जो मन में इच्छा कर लो वो पूरी होती है। अच्छा अच्छा, मनोकामना जी जी। ये आपने जो बिचारी कि हमको नौकरी वगैरह कुछ सिद्धा है, आपको परीक्षा है, मतलब जो भी मनोकामना होती है लोगों की पूरी होती है यहाँ पे जो मान के आता है। कहते हैं कि यहाँ पे एक समय यहाँ पे मतलब डकैतों का राज था। ये उनका ही उन्हीं का मकान है जी जी। कहते हैं एक समय यहाँ पे डाकू रहते थे, उन्होंने ही यहाँ पे स्थापना की थी शंकर जी की। ये मानते यहाँ पर उनको मतलब बंदे नहीं भाई, मतलब कोई पकड़ नहीं पाते, किसी ने कभी पकड़ा नहीं है, पकड़ नहीं पाओ, खुलासा नहीं। हम आज थाने अच्छा, जहाँ भी डाका डालते थे कहके डालते थे कि मैं यहाँ डाका डालूंगा, जो फराने के ऊपर फराने के ऊपर डालूंगा दिन के दिन के। अच्छा, बैंक भी, बैंक भी लूट ले दिन दहाड़े। अच्छा, तो सोने को कल से चढ़ाओ तो राधा कृष्ण मुंडल जी जी सूचना शासन है मतलब एक समय ये ऐसा स्थान रहा होगा कि लोग आने के लिए डरते रहे होंगे। कोई ना आता रहा होगा अभी तक तो नहीं को बहुत है उनने तो जी स्थापना है करा गए भी स्वयं ही हम तुम से बाबा लोगों ने देखी। हां हां संग आए उन्हीं जी इसको फलाया था सुबह से हां अब जा बोल सही है। उन्होंने गरीबों के लिए भी कुछ किया है, पत्ता ही नहीं जरा कट गया जैसे भले आदमी की थे डांका दिया उन्होंने। हां हां बहु बिटियन की चीजें नहीं खाई किसी बहु की, बहु बिटिया जो चीज पेरे बापे हैं रंदे जो फालतू धरे। हां चीज में से कभी कौन पहन ले सिर्फ बहु ने जो खाली बेग बानी किसी की बहन बेटी के साथ गलत नहीं किया। नहीं कभी नहीं, अगर किसी की तो चीज उतारी नहीं है। नन्या तो दे गए भी और जैसे है नन्या तो दे गए एक ने बताओ तो भी गलत करा थे तो जेवर नहीं लिए हैं, किसी के साथ गलत नहीं किए, इसीलिए आज देखिए ये स्थान पवित्र हो गया है, दूर दूर से लोग आते हैं। जो फालतू है वो सही है, जो तुम्हारे क्या काम। तो क्या उनकी मूर्ति भी है यहाँ पे? नहीं, क्या नाम था जो यहाँ डकैत थे उनका? देवी सिंह के नाम से चला। अच्छा, गिरोह उनका नाम देवी सिंह के नाम से उनका पूरा गिरोह चलता था। देवी सिंह। अच्छा, देवी सिंह ठाकुर देवी प्रसिद्ध थी। जी जी जी, देवी प्रसिद्ध थी। उन्होंने कही कि आज ना जाना और जहाँ को देश माई का पूजा झंडा गाड़ो। हाँ हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए हम भी दर्शन करके आते हैं। ठीक सीताराम, जय सीताराम। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं सिद्ध स्थान के। ये देखिए दोस्तों, काफी माताएं बहनें भी आ रही हैं वहां से दर्शन कर करके, और देखिए कैसा स्थान है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं बीजाबान जंगलों में पहाड़ों में। ये देखिए पूरा पहाड़ है, इसी पहाड़ में एक स्थान है, ये देखिए। दोस्तों यहाँ से आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ से खाई पूरी दिख रही होगी। देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए चलते हैं उनसे बात भी करते हैं। ये आगे का रास्ता है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों बड़ा सुंदर स्थान है, ये देखिए नीचे जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे देखिए सामान बेच रही हैं माता जी, सिंदूर रंग, ये नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए दोस्तों भारू है, लल्लू भाई बंधा रहा। ये दोस्तों स्थान है, यहाँ पे धुना बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे खाना पीना लोग बना रहे हैं दोस्तों। इक्कड़ बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे गेट लगा हुआ है, नीचे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे चलते हैं,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। भाई दोस्तों अंदर चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुंड बना हुआ है, ये देखिए गुफा है दोस्तों। कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए पूरी गुफा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ से पानी रस रहा है धीरे धीरे। पूरी गुफा बनी हुई है दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी गुफा है। देखिए ये महाराज जी आपके लिए थोड़ी से प्रसाद है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। राम नाम सुखदाई भजन कर दो भाई मेरा दूतने द्वारी जाकाया जंगल की नकरिया जाकाया रे जंगल की है नकरिया जल जाई भजन करो भाई राम नाम सुखदाई हरि जाकाया बगियों को है पूरा जाकाया बगियों को पूरा राम लगे मोर जाई हरि मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज और परहित के कारण आवे ने शरम लाज। हमारे गुरुदेव ने कहा है बिट्टो एक साथ और सब सत है और सब साथ हो तो सब जाए, तो हमारा तो वही है कि बस केवल एक नाम से आधार है। हमारे गुरुदेव का कहना था कि एक ही दुकान से जीना है बिट्टो अपन को, आडम्बर नहीं करना, तो हम आडम्बर करते भी नहीं, हमको क्या है। जय है हमारा नी जो गुरु जलाल कपड़ा उठाइए बिट्टो जय। एक और नसीब ही में नहीं हुआ तो उपाय नहीं है, नहीं तो वो भी हाँ मनोकामना पूरी होती है। ब्याह शादी नहीं होती कई जनन की तो वे भी मनोकामना जे अर जी वही की बदी तो वे भी पूरी होती है। बहुत से लोग महाराज जी परेशान रहते हैं, हमारे यहाँ कछु भी हो भूत प्रेत हो चाहे कोई भी आ जाता है तो हम जल देते हैं पड़ के उसको सेवन करे लगावे और भभूति दे देते हैं तो सारे सब दूर हो जाते हैं। हाँ। अच्छा महाराज जी जैसे अस्पतालों में सालों इलाज कराते हैं मरीज बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मरीज हो जाते हैं, अगर मालिक की कृपा है वो यहाँ आ जाते हैं तो हम जल भी दे देते हैं पड़ के और उसके नियम बता देते हैं तो अनेक तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो महाराज जैसे कोई जादू टोना करवा देते हैं ऊपरी बाधा तो उससे बहुत परेशान रहते हैं, उससे परेशान रहते हैं सो यहाँ आते हैं सुहारी जी बन जाती हैं और भभूरी दे देते और बोल देते अपने दरवाजे पे जाकर पहले द्वारे से घुसते हो तो वहाँ पहुँच देना वह भभूरी तो उनका पहरा रहता है वहाँ तो फिर कुछ नहीं होता है। कितने दिन महाराज जी आना पड़ता है? अरे
एक बार दो बार तीन बार और जब ठीक हो जाए तो फिर जब जिसके बाद से तुम एक से लेके एक करोड़ लो धर्म कर जाओ। लेकिन हम पहले नहीं किसी से कहते हैं कि जो करो, और ना उस दिन कहते हैं। उस दिन आपने पूछा तो हमने कह दिया कि यहाँ कर दो 51,000 का धर्म, अब तुम्हें 151 रुपया का करना तो अपना कर जाओ जी सर। मतलब किसी से कुछ मांगते मांगते नहीं हम, नहीं नहीं। साधु जो संत हैं जिनके पास साधना है वही तो संत हैं, और वो ही जिसको जो कुछ कह देते हैं दुआ दे देते हैं तो वो दुआ में सबके काम से पर होते हैं। दुआ से महाराज। हाँ, हमने आत्मा से आपको गैदी लगाओ आपका कल्याण है तो कल्याण ही हो जाता है। हाँ, तो ये हमें चाहना है, हमें का करना है। केवल कर्म से ही सब कुछ होता है। कर्म अच्छे करो तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म गलत करो गलत परिणाम मिलेगा। जो जैसी करनी वैसी भरेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम बढ़िया पूजा पाठ भगवान की सेवा करते हैं फिर हमारे ऊपर कष्ट के ऊपर कष्ट आते हैं। बिट्टू जो दीक्षा नहीं लाए तो वे तो पूजा पाठ नहीं, टिकाऊ मंदिर लमूर पे धैरावे तो कुछ नहीं होता है। हाँ, उनके ही हाथ के भूत लेते हैं भोजन, उनके ही हाथ से भूत पसंद रहते हैं। और देवता जो है भगवान जो है वे केवल गुरमुख ही आदमी से पसंद होते हैं, और आत्मा से जो करता है वो उनके हरदम हृदय में रहता है, पर हमेशा हृदय में रहता है। जे हमने देख लिया, आपने कहा बिगर दीक्षा का तक कोई तर नहीं सकता। बिट्टू ब्रह्मा विष्णु महेश हरे हैं जिनने भी दीक्षा ली, उनने भी गुरु बनाए। बिगर गुरु का कोई तरन नहीं है बिट्टू, ना कोई उपाय। हाँ, गुरु महाराज ने कहा है कि मन से पूजा और तन से सेवा, और तुम बिना और उपाय नहीं है दूजा। परमात्मा का केवल मन से ही है, लेकिन दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। उसको भी ऐसा है कि दीक्षा लेना बहुत सरल है लेकिन निभाना उसका बहुत कठिन है। बिट्टू बहुत दीक्षा गुरु की बीच में छोड़ दे सो बेटा, नई पार के रहे न उपार के रहे कौन गैल के न रहे। तो देखो हम अपनी ये फूल की कांसे की थाली अलग रखे रहते हैं, इसमें हम कहीं जाते हैं तो अपना नारियल का पात ले जाते हैं, उसी में से अपना भोजन कर लेते हैं, उसी में लेते हैं हम दूसरे का नहीं। और जल लेना है तो देखो हमारा वो रखा कमंडल, कमंडल में अपना जल ले जाते हैं। और हम ना होटल पे ना भोजन करते हैं ना चाय पीते हैं, और ना हम किसी आपके घर जाएंगे अगर दीक्षा नहीं लें आप तो हम किसी कन्या के हाथ का तो भोजन कर लेंगे, वो भी हमारे सामने सिद्ध करेगी। इनता हम बोल देते कि इतना आटा दे दो कंडी दे दो सब अपना बना के वो खा लेते सतना पी लो तो छाप जने चाहे। जय हो जय हो। देखो जो भगत आरो भंडारो गुरुदेव की कृपा से, यही तो मलक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो ला सके, साधु संतों को दर्शन करवा सके। दोस्तों आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।